स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास एक आईपी कैमरा है, 4 मेगापिक्सल का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में। इस कैमरे की आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखता हूँ इसमें मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका आईपी कैसे पता करना है वो मैं आपको बताऊंगा और इसकी क्लियरिटी भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अनबॉक्स पहले से कर लिया था एक बार, तो मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का हमें मिलता है बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक कैमरा आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। इस तरह का कुछ कैमरा है, कैमरे की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है। बात करें जो इसकी बॉडी है वो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, जिस तरह की क्वालिटी सीपी प्लस वगैरह देता है सेम क्वालिटी आप देख सकते हो इसमें भी। सामने हमें इसमें 2 LED नीचे मिल जाती है, 2 LED ऊपर मिल जाती है। इससे क्या होगा कि हमारा जो रात को कलर विजन होता है वो और भी ज्यादा क्लियर आता है। साइड में एक छोटा सा माइक देखने को मिल जाता है, नीचे हमें LED जो है उनके बीच में एक नाइट विजन सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें सीपी लिंक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का कैमरा है, ये कैमरा POE कैमरा है जो मेरे पास है। इस POE कैमरा में हम अगर नॉर्मल जो POE स्विच आते हैं, POE स्विच या गीगा स्विच, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अलग से जो नॉर्मल स्विच आते हैं उनको अलग से पावर देके उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आज यहाँ पे हमें इसका पूरी डिटेल है, कितने मेगापिक्सल का है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है और रेजोल्यूशन लिखा हुआ है 5 MP, तो और 3.6 mm लेंस है, जो कि देखने से बाहर से ही पता चल जाता है कि 3.6 mm लेंस है। आज हम बात करेंगे इसकी जो 5 MP लिखा हुआ है वो एक्चुअल रेजोल्यूशन 5 MP का ही है या नहीं, उसी को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कैमरे को मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देख लिया, आप देख सकते हैं लेंस वगैरह मैंने सब कुछ लगा के अच्छे से कनेक्ट करके इसका रेजोल्यूशन चेक किया है, जो कि आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका जो रेजोल्यूशन है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 2590x1904, जो कि 5 MP कैमरे का ही होता है। आप इसे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो 5 MP क्लेम कर रही है, एक्चुअल 5 MP का कैमरा हमें दे भी रही है। क्वालिटी के लिए मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए स्क्रीन पे चला देता हूँ। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी 5 MP कैमरा की है, जो कि आप क्लियरिटी वगैरह देख सकते हैं। आपको देखने के लिए कैसे मिलते हैं। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और CCTV से रिकॉर्डिंग किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अपने CCTV में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।